हेलो कौन? हेलो दादी गुड्डू बेटा, जी। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी, आपकी तबीयत कैसी है? घर पे कैसे हैं सब? पता नहीं बेटा, यहाँ तो कोई कुछ बताता ही नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? कुछ दिनों से घर में तनाव सा चल रहा है। जी बहुत घबरा रहा है, कुछ पूरा हुआ जरूर है। बेटा तू आ जा, कब तक रूठा रहेगा हमसे? तुझे देखने का अरमान लिए ही चल बसूंगी क्या? दादी ऐसा मत बोलिए, मैं आता हूँ जल्दी। और आप तो जानती हैं, आपके साथ माँ के साथ मेरा कोई बैर नहीं। तेरी माँ तो बेचारी पीसी जा रही है तेरे और तेरे पापा के झगड़े के बीच में। बेटा अपने पापा को एक फोन तो कर। हाँ किया था मैंने, कोई उत्तर नहीं आया वहां से। ठीक है दादी, माँ से कहना मैंने फोन किया था, फिर से करूंगा। कह दूंगी बेटा, अपना ख्याल रखना और बेटा जल्दी आना। शिकायत परिवार, शिकायत परिवार, शिकायत परिवार, शिकायत परिवार, शिकायत परिवार, शिकायत परिवार, यही मेरा फैसला है। रुक जा बेटा, रुक जा। मेरा घर बिखर जाएगा साहब, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एहसान फरामोश, गुड मॉर्निंग मुंबई। ये है आपका सहिता, आपका दुलारा। अरे मैं भी क्या बोर कर रही हूँ सुबह सुबह। ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 99.9 ब्लू एफएम। और अब मुंबई मेरी जान में स्वागत है हमारे अगले कॉलर का, हु इज कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम भांडू। हेलो 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 मधुरा जी। जी हाँ, मेरा नाम गिरीश है, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे फैन तो हमारी सारी दुनिया है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा तो लाइफ में एक किच प्रॉब्लम है, मेरा बॉस बस एकदम खड़ूस है। बॉस कुछ नया बोलो, ये तो हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है बॉस। वैसे अकड़ू है क्या? अकड़ू? अरे एक नंबर का जल्लाद है, दिन भर या तो गधे की तरह काम करवाता है या फिर घुमा घूम करता रहता है। तंग आ गया हूँ मैं तो उससे। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। वैसे तुम करते क्या? कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ, 4 साल से। 4 साल से? तुम 4 साल से ये अत्याचार सह रहे हो? अच्छा तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर क्यों नहीं करवा देते? अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू एफएम सुने, उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी, हेलो मधुरा। जी इंस्पेक्टर दबे, मधुरा का शो चल रहा था जब यह हादसा हुआ। किसी ने देखा या क्या हुआ था? जी नहीं सर, हम सब लोग तो अपने अपने काम में बिजी थे। मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ सर, अपनी सीट पर बैठा ही ताकि अचानक मधुरा की चीखने की आवाज सुनी। यहां आकर देखा तो सर बहुत देर हो चुकी थी। इट्स शॉकिंग, रेडियो पर पहली बार किसी की डेथ, इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक। आप कौन है? जी मैं इस शो का डायरेक्टर असीम बोरा। डायरेक्टर हैं, डॉक्टर नहीं। आपको कैसे पता कि हार्ट अटैक? क्या बात कर रहे हैं आप सर? I'm sorry. I mean, लाइव रेडियो पर ना कोई एक्सीडेंट ना किसी ने उन्हें छुआ, ऑब्वियसली बात है सर हार्ट अटैक ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? आप आराम से ये बताओ कि तुम कौन? तो शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सर, आप आवाज से। मैं आरजे स्वरूप हूँ, 99.9 एफएम पर मेरा शो है बोलती बंद, मंडे टू फ्राइडे। फिलहाल अपनी बोलती बंद रखो।
किसी ने कहा था कि मदुरा को किसी ने छुआ तक नहीं। जी इंस्पेक्टर दवे, ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो इसे चोट लगी इंस्पेक्टर दवे। ये कैसे हुआ? आप यहाँ के बॉस हैं? जी विभोर मित्रा नाम है मेरा। आइए मेरे साथ, ये कैबिन खाली कराओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंस्पेक्टर दवे, मदुरा का एक शो आता है हमारे रेडियो स्टेशन पे सुबह 8 से 9 हर रोज, जिसमें वो मुंबई की जनता से उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। आज भी एक नॉर्मल डे था, मदुरा का शो चल रहा था। इनफैक्ट मैं खुद आरजे केबिन में गया था, उससे 2 मिनट बात भी की मैंने, उसके बाद में अपने केबिन में वापस चला गया। hey, मदुरा कैसा चल रहा सब कुछ? कितनी गर्मी हो रही है विभोर, अब रेटिंग्स ड्रॉप हुई है तो टेम्परेचर को भी थोड़ा ड्रॉप करवाओ ना। वैसे इस हफ्ते की रेटिंग्स क्या है? इस हफ्ते हमारी रेटिंग्स और गिर गई है, और अगर ऐसे ही चलता ना मदुरा, तो हम सबकी नौकरी और इस रेडियो स्टेशन पे ताला लग जाएगा बहुत जल्द। ये सब उस थके हुए डायनासोर स्वरूप की वजह से हुआ है, एक नंबर का पकाव है, और उसी की वजह से और कोई हमारे बाकी के शोज नहीं सुनता। उफ, दिस हीट इज किलिंग मी। बस बहुत हो गया यार, उधर वो तुम्हारी बुराई करता है, इधर तुम उसकी बुराई कर रही हो। व्हाट्स गोइंग ऑन? स्वरूप ने तुमसे मेरी बुराई की है। फॉरगेट इट। मदुरा गाना खत्म होने वाला है, रिपोर्ट हम बाद में बात करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट कॉल ऑनलाइन प्लीज। ओके या श्योर। तब तक तो शी वाज ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। मिस्टर विभोर, जब आप केबिन से बाहर गए तो वहां कोई और आया था? देखिए ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अपने केबिन में वापस चला गया था। लेकिन हाँ, मदुरा की डेथ से पहले उस आरजे केबिन में उसके साथ स्वरूप था। स्वरूप वो लाउडस्पीकर? हाँ भाई, मदुरा के शो के बाद उसका शो आता है, बोलती बंद। यानी कि बंद केबिन में 2 आरजे एक साथ, उनमें से एक की हत्या। मिस्टर विभोर मित्रा जी, एक बात बताइए, ये आरजे स्वरूप को कराटे आता है क्या? जी उसे कराटे आता है क्या? इंस्पेक्टर दवे, आप इतना स्ट्रेंज क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? वेल हाँ, कराटे आता है उसे, वो 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट है। इनफैक्ट आरजे के साथ साथ वो एक कराटे स्कूल भी चलाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए कि सिचुएशन अजीब है। मिस्टर विभोर, जब हम पुलिस ट्रेनिंग कैंप में था तो हमें एक एलिमेंट्री कराटे कोर्स सिखाया गया था, जब मुझे एक अजीब पैंतरे के बारे में पता चला। अगर हाथ से यहाँ सीधे गर्दन पर वार किया जाए तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है और सांस बंद हो जाती है, यानी कि इंस्टेंट मौत। मतलब कि मिस्टर दवे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मदुरा को स्वरूप? अभी सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, यकीन नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो यकीन भी हो जाएगा। माय गॉड, सर शो के दौरान आरजे की मौत, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं वरुण, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। गुड कैच। थैंक्स सर। सर पुलिस को लगता है कि मर्डर है, लाइव ऑन एयर मर्डर। बौखला गई है पुलिस, ऐसा थोड़ी होता है लाइव ऑन एयर। अरे तुम लोग दोनों ऑफिस में क्रिकेट क्यों खेलते हैं बच्चा लोग के माफिक? हां केडी, तुम्हारे पापा को तुमने कॉल बैक किया? नहीं, उनको तो कॉल नहीं किया, घर पे किया था फोन दादी को। तुम्हारा पापा कितनी बार फोन कर चुका है, जरूर उनको कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। सर मिस्टर बिलमोरे सही कह रही है, आप अपने फादर से डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर लेते, शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। हाय केडी, कैसा है? हाय बिली। हाय। और केडी? टोनी, मुझे हाय नहीं बोलेगा? बाद में। अच्छा केडी, तुमने जो लास्ट टाइम मोंटी को रिडल दिया था ना, मैंने अपने सारे फ्रेंड से पूछा, सब एकदम कंफ्यूज हो गए। आज कोई नया रिडल दो। अच्छा रिडल दूं? क्यों? मैंने यार ठेका ले रखा है तुम लोगों को रिडल देने का, स्कूल में नहीं सिखाते तुम्हारे टीचर्स लोग तुम्हें कुछ? हाँ चल बता, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जापान से ज्यादा
चाइना के लोग चावल क्यों खाते हैं, राइस क्यों खाते हैं? हाँ, क्योंकि चाइना के लोगों को जापान के लोगों से चावल ज्यादा अच्छा लगता है। अरे यार, इतना आसान होता तो सवाल पूछता क्या मैं। जा अपने क्लासमेट से पूछ, टीचर से पूछ, फिर आना। जवान वो ठीक। और सुन, हाँ। वो जो मोंटी मेरी कॉमिक्स लेकर गया था, बोलना वापस कर दे। आँख में दम किया हुआ है दोनों भाइयों ने। चलो मैं देखता हूँ। थैंक्स। हेलो, केडी पार्क ऑफिस जी, कहाँ से जी? एक मिनट होल्ड कीजिए। सर वही केस है, आजय मथुरा के मर्डर का। एक और आजय पकड़ा गया, आजय स्वरूप। सर वही जो बहुत बोलता है। केडी पार्क, I'm so glad that you're here, sir. Thank you so much for coming. You know, in fact, आपको यकीन नहीं होगा कि आपको यहाँ पर देखकर मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई, sir. और मैं, I know something about your character, sir. मैं ये जानता हूँ कि आप एक ऐसे person हैं, आप एक ऐसे professional हैं, जो किसी बेगुनाह को कभी जेल नहीं जाने देंगे। I know that, sir. और मैं इतना खुश हूँ कि आप आगे। स्वरूप, स्वरूप, सांस, सांस ले लो। सांस तो मेरी ऐसी अटकी हुई है सर कि मुझे पता नहीं कि मैं। नहीं, सुनो 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 सुनो, ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था, जरा विस्तार में बताओ। हाँ। ज्यादा विस्तार में। ओके सर। सर जैसे कि आप जानते हैं सर, मधुरा का लाइव शो चल रहा था सर। हाँ। और उसके फौरन बाद मेरा शो होता है जिसका नाम है बोलती बंद, शायद आप। और उस दिन मैं शो में वो एक्ट्रेस है ना सर, लतिका सिंह, उसे मैं इंटरव्यू करने वाला था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊँ और मैं मधुर के कमरे में अंदर चला गया सर, और उसे बिना डिस्टर्ब करे उसके पीछे बैठ गया सर। वैसे तुम करते क्या हो? कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ 4 साल से। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर क्यों नहीं करवा देते? अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू FM सुने, उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा, मधुरा जी आप हैं? हेलो हेलो मधुरा जी, मधुरा, मधुरा, यही सब हुआ सर। लेकिन मैंने लतिका को, लतिका तो एक्ट्रेस है आप जानते हैं सर, सर मधुरा को मैंने छुआ तक नहीं। तो अचानक बोलते बोलते मधुरा की मृत्यु हो गई। हाँ। गले पे उनका एक निशान था और अचंभित कर देने वाली बात है। क्या कोई आपके अतिरिक्त कोई आया था आपके कैबिन में? हाँ सर, आया था सब। दो लोग आए थे सर, दो। एक तो हमारे प्यून थे सर, मंदार जी, वो कॉफी के साथ आए थे क्योंकि मधुरा को कॉफी बहुत अच्छी लगती है, वो झाग वाली सर। और सर वो एक्ट्रेस सर लतिका सिंह आई थी सर, और वो तो थोड़ी देर में आके जो चली गई थी सर। जिस समय मृत्यु हुई मधुरा की, चीख निकली बोलते बोलते, उस समय तो आप अकेले थे ना वहां के? सर उस वक्त, सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, उस वक्त सर मैं ही था सर। और आप कह रहे हैं कि आपने नहीं मारा, थोड़ा कठिनाई हो रही है मुझे ये मानने में, क्योंकि एक तो गले पर उसका वो निशान, और फिर आप कह रहे हैं कि वो चाय वाला आया था लेकिन उस समय वहाँ वो था नहीं, लतिका भी वहाँ नहीं थी, जब चीख निकली मधुरा की तब अकेले आप वहाँ उपस्थित थे और कोई नहीं छोटे से कैबिन में। जो भी हो, मेरे ख्याल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है तो हमें प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, उस रिपोर्ट आने की सब साफ हो जाएगा। आई विल बी इन टच। मैंने लेकिन मैंने नहीं किया सर। टर्नोक्लीडोमास्टॉइड रीजन में ब्लंट फोर्स ट्रॉमा द्वारा कैरेटिड आर्टरी का पंक्चर होना, तो खेती ये है आरजे मधुरा की मौत का कारण, अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, मतलब उनकी गर्दन पर गुप्तवार किए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो गुप्तवार जो आप और हम जैसे लोग नहीं कर सकते, इसके लिए यू नीड टू बी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड इन कराटे, और उस रेडियो स्टेशन में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है,
स्वरूप। कैबिन में भी वो अकेला था। ये मर्डर उसी ने किया है केटी। नाउ नाउ डोंट टेल मी कि तुम उसकी बातों में आ गए हो। सीरियसली द मर्डर, उस कैबिन में उस वक्त और कोई नहीं था। इस केस को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ। सो डोंट इवन ट्राई। वी शैल सी मिस बॉस। सर मैं भी प्रोसिक्यूशन के साथ हूँ सर। सर ये तो ऐसे है जैसे शेर और बकरी एक ही कमरे में, और बकरी की मौत सर, और बकरी के गले पर शेर के पंजे के निशान। सर सर और कौन मारेगा मथुरा को? आई एम टेलिंग यू सर, इस केस को मत लीजिए। कौन मारेगा मथुरा को यही पता लगाना है वरुण, और मुझे लगता है कि अगर तू उस रेडियो स्टेशन चला गया छानबीन करने तो पता चल जाएगा। चल। आप लोगों ने स्वरूप को मधुरा को मारते हुए देखा? नहीं, एक्चुअली हम दोनों ने स्वरूप को मधुरा पर वार करते हुए तो नहीं देखा। दरअसल उस समय मैं स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी था और मैं साउंड के लेवल चेक कर रहा था। दरअसल उस दिन साउंड में कुछ प्रॉब्लम था। कोई और था उस कमरे में? जी नहीं, हम दोनों को तो लगता है कि स्वरूप ने ही मारा है 100%। सब चाय। नहीं थैंक यू। ओके सर। गेस व्हाट, मुझे जॉब मिल गई। रियली? आप सेट होंगे? अब असीम, स्वरूप का डेस्क कहाँ है? जी ये वाला। वरुण, इतने सारे शादी के कार्ड्स? वो स्वरूप की बहन की शादी है इसी महीने, तो हम सबको शादी के कार्ड बांट रहा था। सर मुझे तो अब केस में कोई होप नहीं लग रही है। सर आप शादी का कार्ड दिखा रहे हो? अरे केडी, कैसा है? आपको पता है मेरे पापा ने ना आपके रिट का जवाब दे दिया है। अच्छा? क्या है बात? चाइना के लोग जापान के लोग से ज्यादा चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि जापान के लोग ज्यादा फिश खाते हैं, है ना सही आंसर? ये जवाब तेरे पापा ने दिया है? तेरे पापा तो बड़े फिशी हैं यार, गलत जवाब है। जा मम्मी को पूछ क्या। क्या बात है? ऐसा है तो फिर वो क्यों? वैसे बिल्ले मोरिया, मेरे घर से कोई फोन आएगा तो इमीडिएटली तुमको इन्फॉर्म करूंगी। थैंक यू, आई सी यू लेटर। लो फिर हार गया। कोई बात नहीं, एक बार और। इस बार अगर मैंने सारे पैसे नहीं जीते तो मेरा नाम नहीं। अरे नाम बाद में बताना, दाम बता। रोकड़ा है क्या? और हाँ रोकड़ा है ना, रोकड़ा क्यों नहीं है? दिखा दिखा। फिर वही नाटक इसका, रोज का ही नाटक है इसका तो ये। एक मिनट, आ जाएगा रोकड़ा, मैं आता हूँ। अभी आया। ये तो इसका रोज का हो गया। चल वापिस। हेलो। अरे आप पता है बोला था फोन नहीं करने को, ले क्या करूं? अरे पैसे की जरूरत है, रोकड़ा मांगता मेरे को अभी। अरे बोला ना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझा गया? वरना आप उनको भी आता है रेडियो के माफक ऊंचा वॉल्यूम में बात करने का, लाइव मथुरा का मर्डर, समझा गया? ये हुई ना बात। आज शाम उसी डस्टबिन में।
अरे इरफान, मेरे को 5,000 रुपए देना, मैं शाम को देता हूँ तेरे को, आज रोकड़ा। हाँ देखो, चाय अब हो जा पानी। सॉरी स्वरूप, दुर्भाग्यवश हर सबूत तुम्हारे विरुद्ध है। ऐसी कोई बात भी नहीं है तुम्हारे पक्ष में जो मुझे यह आश्वासन दिलाए कि तुम निर्दोष हो। एक तकलीफ है, जब तक मेरे मन में यह विश्वास नहीं होता कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है, केस नहीं ले सकता। चला जाता हूं। मेरी बहन का क्या होगा? उसकी शादी, तुम्हारी बहन की शादी इसी महीने है। कितना खुश था मैं जब पूरे ऑफिस में मैं अपनी बहन के वेडिंग इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन अब लड़के वाले कह रहे हैं कि ऐसे लड़की के साथ हम कैसे शादी करें जिसका भाई खूनी है। स्वरूप, ये बात पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। सर सब कहते हैं कि मैं बहुत भूलता हूं सर, लेकिन अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं ना सर, उसके बाद मैं और कुछ नहीं कहूंगा सर। मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है सर। 6 साल का था सर जब मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से लेकर आज तक मेरी बहन ने मुझे पाला पोसा है सर। मेरी माँ है, मेरा बाप है, मैं किसी टाइम स्लॉट या किसी छोटी सी दुश्मनी की वजह से उसकी जिंदगी को बर्बाद कैसे कर सकता हूँ सर। मैं अपनी बहन की कसम लेकर कहता हूँ कि मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन सर अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए, चाहे आप मुझे रिप्रेजेंट करें या ना करें। सुना केस ले लिया तुमने? द फेमस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ मिस्टर पाठक। 20 लाख लोगों ने इस मर्डर को लाइव सुना, जिसमें से तुम भी एक थे। 20 लाख लोगों ने सुना, मिस बॉस, देखा किसी ने नहीं। ये केस लीजिए आप मिस्टर पाठक, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि इस बार कटघरे के दोनों पार आपकी मुलाकात मुझसे होगी, एज द विटनेस एंड द डिफेंस। प्रिपेयर योरसेल्फ वेल मिस्टर पाठक, यू नीड इट। Question is, can you handle two of me? Try me. देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने मधुरा को नहीं मारा है। I swear, मैं तो उससे 10 फीट की दूरी पर बैठा था, पीछे बैठा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। I swear, स्वरूप, उस कैबिन में उस सुबह सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, आप और आरजे मधुरा। आरजे मधुरा की मौत लाइव ऑन एयर हुई और उनकी मौत एक कराटे ब्लो की वजह से, और इस पूरे ऑफिस में सबको पता है कि सिर्फ एक कराटे एक्सपर्ट है और वो है आप। ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी प्रूव कर सकता है कि मधुरा पर वार आपने किया और उनका कत्ल भी आपने किया है। मिस बॉस, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जरूर। चलिए मान लेते हैं कि मेरे मुवक्किल मदुरा से घृणा करते थे और उन्हें मारना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, किंतु चलिए इनकी बात छोड़िए, हमारी बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे बीच ऐसी दुश्मनी है, घृणा है आपको मुझसे, आप मेरी हत्या करना चाहते हैं। ऐसे कोई खास दोस्ती भी नहीं है हमारे बीच। तो अगर आप मुझे मारना चाहती हैं और आपके पास 3 अवसर होते,
सर्वप्रथम मुझे यहाँ अदालत में मारने का सबके सामने, द्वितीय अगर मैं किसी मॉल में चला गया शॉपिंग करने वहाँ, तृतीय एक एकांत सी जगह में जहाँ मेरे अतिरिक्त और कोई ना हो। कहाँ मारेंगे आप मुझे? जाहिर सी बात है ऑप्शन सी। जज और इतने सारे विटनेसेस के सामने अगर मैं आपकी हत्या करती हूँ तो आप तो ऊपर जाते हो, मैं सीधा जेल में चली जाती हूँ। तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। तो क्या मेरे मुवक्किल इतने बेवकूफ है कि 20-25 लोगों के सामने नहीं, 20-25 लाख लोगों के सामने हत्या करेंगे लाइव ऑन एयर रेडियो पर, ताकि उनके बचने का कोई रास्ता ही ना रहे? बेवकूफ तो नहीं, लेकिन मैं इंपल्सिव जरूर का हूं। कई बार तैश में आकर इंसान ऐसी चीजें करता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। अच्छा, और कुछ ऐसा ही उस कैबिन में उस दिन इनके हाथों हुआ। तुम 4 साल से ये अत्याचार सह रहे हो। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर कर दीजिए। अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू FM सुने, तो उनका दिमाग रहेगा ठंडा और शांत। हेलो मधुरा जी, हेलो मधुरा जी, आप हैं? हेलो हेलो मधुरा जी, मधुरा, अरे ऑफ करो ट्रांसमिशन। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए मैं क्यों मारूंगा मधुरा को, मैं क्यों मारूंगा? आप सोचिए, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। आप उनके दुश्मन थे या नहीं, इस बात की पुष्टि आपके स्टेशन डायरेक्टर असीम करेंगे। सर मुझे पूरा यकीन है, स्वरूप ने ही मधुरा का खून किया है। सर दोनों के बीच में बहुत पंगा था, मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। How dare you do that? मुझे बताओ कि how dare you do that with a straight face? मेरे फैंस क्या सोचेंगे? अरे चिल यार, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तुम्हारे फैंस कुछ नहीं सोचेंगे, पक्का। Really? मेरे फैंस कुछ नहीं सोचेंगे? How could you even do that? How could you even think of doing that? क्या हुआ डूड? मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ। ये तेरी जो आरजे है लाइव रेडियो पर मेरा मजाक उड़ा रही है, कह रही है कि मेरा जो शो है बोलती बंद है। वो बोलती बंद कम है, और बोलती कब बंद होगी ये होगा। मैं कभी इसके घटिया जोक्स का मजाक उड़ाता हूँ? मैं कभी कुछ कहता हूँ? नहीं ना, कभी कुछ कहता हूँ मैं? ओह गॉड, चुप! कितना बोलते हो तुम? स्वरूप, यहाँ कोई लाइव शो नहीं चल रहा है, और वैसे भी मैंने बिल्कुल सही कहा था, पकाओ हो। ये बात ना जो ठीक हो जाएगी। साइको है? साइको? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? क्या कर? तुझे मैं देख लूंगा, यू बेटर वॉच योर बैक। इस स्वरूप की छुट्टी तो मैं करके रहूंगी इस रेडियो स्टेशन से। एकदम साइको, क्रेजी लुक दे रहा था मैडम हम सबको। ये ट्रस्ट मी मैडम, मेंटल आदमी है। साइको, मेंटल, क्रेजी, वेरी इंटरेस्टिंग योर ऑनर। अब देखते हैं कि इनके बॉस मिस्टर विभोर का इनके बारे में क्या कहना है। पिछले 2 महीने से हमारे रेडियो स्टेशंस की रेटिंग्स, नंबर्स कॉन्स्टेंटली गिर रहे थे, और उसकी वजह थी मधुरा और स्वरूप का बात बात पे किचकिच करना। ये लोग छोटी छोटी बात पे बहस करते थे। किस बात पे बहस होती थी? टाइम स्लॉट को लेकर। एक्चुअली मधुरा जिस टाइम स्लॉट पे शो कर रही थी, उसी टाइम स्लॉट पे पहले स्वरूप शो कर रहा था। बस स्वरूप को अपना वो टाइम स्लॉट वापस चाहिए था, इसीलिए उसने मधुरा से चिढ़ना शुरू कर दिया। मैं क्या बताऊं मैम आपको, इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। अंडरस्टैंड वो आई डोंट अंडरस्टैंड, तुमने क्यों किया? बस बस बस, बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। अपना चेहरा देखो, गुस्से से लाल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा, तुमने मेरा टाइम स्लॉट आकर बदला क्यों? I mean, इस नए टाइम स्लॉट में मेरे रेटिंग्स इतने गिर रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड?
बस स्वरूप ऑलरेडी मैं ये टाइम स्लॉट मधुरा को हेलो मधुरा 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 ये क्या चल रहा है तुम्हारे और मधुरा के बीच में इट्स समथिंग हैपनिंग बिटवीन यू एंड अस शट अप वन सेकंड विभोर मुझे चुप कोई नहीं कर सकता मैं इस रेडियो स्टेशन का स्टार आरजे हूं यहां से निकल जाओ ना तो तुम्हारा ये ब्लू एफएम 2 मिनट में बंद हो जाएगा भैया रियली जाओ गो रोका किसने तुम्हें जाऊंगा लेकिन उससे पहले तुम्हारे उस मधुरा को सबक सिखा के चलूंगा दिस मैन इज एब्सोल्युटली क्रेजी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा सर अगर अदालत में ये बात साबित हो जाए कि इसी ने पागलपन में आकर मधुरा को मारा है नहीं मैंने नहीं मारा मधुरा को मुझे मैं तो बीच में मैंने कुछ नहीं किया तो कैसे मर गई नहीं मालूम है क्या आप दोनों ऐसे लड़ रही हैं ऐसा लग रहा पति पत्नी लड़ रही हैं अदालत में क्या शायद धीरज रखिए मैं समझाता अब ये हत्या आपने नहीं की इनके अनुसार उस कमरे में कोई था नहीं लेकिन ये हो सकता है कि कोई आया गया हो तो क्या आपने किसी को आते जाते देखा खाली कमरे में ये किसे देखेंगे सर सर मैंने आपसे कहा था मैं वहां बैठा था मैं पीछे बैठा था और मैं वहां पर क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा था आप ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे थे ये देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र में ये जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ये कर रहे थे ना आप इसमें आपने 5 शब्द भरे हैं इसमें जहां तक मेरा अनुमान है ये सही भरे जी जब हत्या हुई मधुरा जी की उसके कितने समय पहले आप दाखिल हुए कमरे के भीतर कुछ 5 मिनट और 5 ही मिनट में आपने 5 सही शब्द लिख दिए प्रशंसनीय बात है नॉट इजी मिस्टर पाठक इनकी क्रॉसवर्ड सॉल्विंग एबिलिटीज से इनकी मर्डरिंग एबिलिटीज का क्या ताल्लुक नहीं नहीं ताल्लुक ये है जरा सोचिए कि अगर इन्हें मधुरा की हत्या करनी होती तो ये वहां बैठे बैठे समय व्यर्थ क्यों करते और इनका रुझान यहाँ नहीं होता वहां होता मधुरा हाँ। मतलब आप अगर किसी की हत्या करना चाहें तो हत्या करने की मंशा लेकर आप गई हो तो आप हत्या करेंगी न कि कुछ और कार्य में व्यस्त हो जाएंगी नहीं नहीं करेंगी ना आप ऐसा मिस्टर पाठक मैं भी यही कह रही हूँ कि ये एक्शन ये मर्डर इन्होंने जोश में किया तैश में आकर नहीं जी मैं नहीं तहश में कैसे कत्ल किया होगा क्योंकि कत्ल तो इन्होंने किया ही नहीं ये तो क्रॉसवर्ड कर रहे थे और बड़ा कठिन है ये इसे करना मैंने भी प्रयास किया है बहुत ही कठिन है और बड़ा ध्यान लगा के करना पड़ता है और तहश में आप जो कह रही हैं वो क्या क्या हुआ होगा ये ध्यान पूर्वक अपना क्रॉसवर्ड कर रहे हो अचानक इन्हें सूझा कि मधुरा की हत्या कर दी जाए और ये उत्तेजित हो गए और जाके कराटे वार देकर इन्होंने उसकी हत्या कर दी ये कहना चाह रही हैं आप ऐसा नहीं होता वैसे सोचने वाली बात है मिस्टर पाठक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर स्वरूप कैबिन में अंदर जाने से पहले इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर चुके थे और जब ये कैबिन के अंदर जा रहे थे इनके हाथ में ये न्यूज़पेपर था विद द क्रॉसवर्ड सॉल्व और उसके बाद इन्होंने मधुरा पर वार किया और उसकी जान ली नहीं 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 जब मैं कमरे के अंदर आया था वो अखबार वहां पड़ा था के बाद मैंने उसे सॉल्व किया है मैं उसे साथ नहीं लाया था सर इस बात का कोई सबूत है आपके पास कि ये न्यूज़पेपर कैबिन में पहले से रखा हुआ था नहीं नहीं तो मिस्टर पाठक फिर तो आपकी ये क्रॉसवर्ड वाली थ्योरी अफसोस इस बाकी के क्रॉसवर्ड की तरफ लाएंगे कोई और एक्सक्यूज जो ये प्रूव कर सके कि इन्होंने मधुरा का खून नहीं किया कोई और एक्सक्यूज जो ये प्रूव कर सके कि इन्होंने मधुरा का खून नहीं किया योर ऑनर
वो फोन कॉल जो समय चल रहा था जिस समय मधुरा जी की मृत्यु हुई, वो फोन कॉल मैं एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर पाठक, मे बी नेक्स्ट टाइम। ये अदालत गुरुवार 7 फरवरी दोपहर 3 बजे तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रेडियो शो की रिकॉर्डिंग का क्या सुनना चाहते थे आप? वो उसकी एक कॉपी मंगवा ले अगर तो जी। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इफ यू डोंट माइंड। मैं जानता हूँ कि ये वक्त सही नहीं है ये बात कहने का, लेकिन हम लोग काफी दिनों से आपको अपने रेडियो स्टेशन पे बुलाना चाहते थे एज ए गेस्ट। एक्चुअली सर, इमेजिन इट्स सो एक्साइटिंग, केडी पाठक लाइव ऑन रेडियो। सर हमारे लिसनर्स आपसे लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स भी कर सकेंगे। आप प्लीज अगर आधा घंटा निकाल लेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। प्लीज हाफ एन आवर जस्ट। ठीक है, कब आना है मुझे? थैंक यू वेरी मच सर, मैं कल ही सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। वेलकम मिस्टर पाठक, वेलकम। प्लीज दिस वे कम। आइए मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, ये अनन्या है, प्रतीक की बहन, मधुरा को इसने रिप्लेस किया है। हे केडी, ग्लैड टू सी यू। हाँ शुरू करें? हाँ आप लोग शुरू करिए और आई विल जॉइन यू लेटर, बाय। आइए सर। ये वही कुर्सी है जिस पर मधुरा बैठी थी? हाँ। आइए ना सर, शुरू करते हैं। आप ये हेडफोन पहन लीजिए और यहाँ पर बैठ जाइए। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? तो क्या आप तैयार हैं सर? जी जी। ओके, सो इस माइक को इतनी डिस्टेंस पे रखिए और अगर आपको रोकना है तो आप आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दीजिएगा। जी। ओके, हेलो असीम, साउंड चेक। रेडी टू गो लाइव, साउंड चेक। 5, 4, 3, 2, 1। हेलो एंड वेलकम टू मुंबई मैडनेस ओनली ऑन 99.9 ब्लू एफएम। मैं हूँ आपकी नई दोस्त अनन्या और आज मेरे साथ है वकीलों के सुपरस्टार, बेगुनाहों के मसीहा, द ग्रेट केडी पाठक। और इसीलिए आज डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, सो मिस्टर केडी पाठक, नमस्ते। टेल मी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सो केडी, क्या आप तैयार हैं हमारे कॉलर से लॉ रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? जी जी, एब्सोल्युटली, प्रयास करूंगा। ओके ग्रेट, वैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट एंड द लकी कॉलर ऑफ द डे। तो चलिए सुनते हैं आज के हमारे लकी कॉलर को। हेलो, नमस्ते केडी सर। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रशांत सिंह है सर। मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जी कहिए सर। 6 महीने पहले भोपाल से मेरी सास मेरे घर पे रहने आई है सर, 1 महीने के लिए, पर 6 महीने हो गए अभी तक टिकी हुई है सर, जाने का नाम ही नहीं लेती। तो जाने के लिए कहता हूँ तो बोलती है मेरी बेटिया घर है, तुझे क्या करना है? अब बताओ सर मैं क्या करूँ? सर कोई तरीका है जिससे मैं उन्हें लीगली एविक्ट कर सकूँ सर, प्लीज सर। क्या नाम? प्रशांत जी। हाँ तरीके तो बहुत है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी पत्नी और आपके बीच में रिश्ता कैसा है, कहीं माँ के साथ पत्नी भी एविक्ट ना हो जाए। मेरी सलाह यही है कि आप आपकी पत्नी और आपकी सास अगर मिलजुल कर इस बारे में इस विषय का कोई समाधान निकाल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सास से बैर लेना ये होशियारी का काम नहीं होगा प्रशांत जी। सास तो बीबी से नहीं डरता सर,
इस बात से आपकी बात से एक प्रश्न आता है मेरे मन में कि अगर आप जंगल में जा रहे हो और एक शेर अगर आक्रमण कर ले आपकी पत्नी पर और सास पर तो आप किसे बचाएंगे? पत्नी को? जी नहीं, शेर को। थैंक यू प्रशांत जी। ओके, थैंक्स मिस्टर प्रशांत। थैंक यू मैम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर ऑफ द डे। सर, मुझे अपने पड़ोसी के कुत्ते पर केस करना है। वो हर रोज मेरे गमलों को तोड़ देता है। अच्छा, देखिए ये अदालत में तो कटघरे में कुत्ते को खड़ा नहीं किया जा सकता, कुत्ता गवाही नहीं दे पाएगा। कहाँ रखते हैं आप अपने गमले? अपने द्वार के बाहर? नहीं, पड़ोसी के दरवाजे के पास। Come on guys, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? मतलब देश का इतना बड़ा क्रिमिनल लॉयर कुत्ते बिल्लियों के केस सॉल्व करेगा? No ways. Please come up with nice questions, okay? So let's go up to the next caller of the day. Kid sir, मेरा केस बहुत सीरियस है सर, मुझे अपने डेंटिस्ट पे केस ठोकना सर। अब उसने मेरा ऊपर के बदले नीचे का डांट निकाला सर। मेरी चप्पल मंदिर से चोरी हुई तो उसमें केस कर सकते हैं? मुझे अपनी पत्नी पर केस करना है। सर, प्रोफेसर अगर ज्यादा होमवर्क दे तो उस पर केस कर सकते हैं? मुझे बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे केस करना है। ओके केडी, आप लास्ट कॉल ऑफ द डे। ओके, इसके बाद हम ब्रेक करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सुनते हैं आज के हमारे लकी कॉलर को। गुड्डू बेटा, कैसा है तू? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.